हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारे चैनल पीटीवी नर्स पे वेलकम। इस चैनल पे हम आपको असिस्टेंट देते हैं क्योंकि हम दोनों नर्सिंग के स्टूडेंट हैं। गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादला में हम नर्सिंग कर रहे हैं, उधर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। आपने अगर एडमिशन लेना है तो आपको उसके लिए सारी एडमिशन की डिटेल और इसमें क्या क्राइटेरिया है अप्लाई करने का और स्टाइपेंड वगैरह हर चीज की इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिलेगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम आज आपको क्या बताने वाले हैं, आपने वो थंबनेल पर भी देख लिया होगा और हमारा टाइटल भी देख लिया होगा। तो अब वीडियो का बकायदा स्टार्ट करते हैं, चलें। तो क्या सीन है भाई लोग, मैं हूं आपका अपना भाई शिराज अहमद और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से मेडिकल नर्सिंग कॉलेजेस पीएनसी ने बैन कर रखे हैं। तो आपने एडमिशन लेने से पहले आपने अपना टाइम अगर जाया नहीं करना, अगर आपने अपनी टाइम इमोशंस और अपना पैसा जाया नहीं करना तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना। हमने आपको बताया उन कॉलेजेस में आपने एडमिशन नहीं लेना क्योंकि उनकी डिग्रीज कैंसिल है। अगर आप वो आपसे फीस लेके एडमिशन दे देंगे प्राइवेट में और आपको डिग्रीज करवा देंगे, लेकिन एट द एंड जब आपको डिग्री मिलेगी तो उस डिग्री का कोई फायदा नहीं होगा। और उसमें जो सबसे पहले हमारे पास लाहौर की कॉलेजेस हैं, उसमें फैसलाबाद की कॉलेजेस हैं, तो हम तरतीब से आपको बता रहे हैं कि कौन से कॉलेजेस हैं उनमें आपने एडमिशन नहीं लेना। इसमें इस लिस्ट में ऐसे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि ये कॉलेजेस ऐसे ऐसे डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं कि आप मान ही नहीं सकते कि ये फेक कॉलेजेस हो सकते हैं। लेकिन ये पीएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इन कॉलेजेस को फेक कह दिया गया है, तो आप इनके नाम सुन लीजिए। सबसे पहले मैं लाहौर के कॉलेजेस का नाम बताऊंगा। पहला कॉलेज है बोस्टन इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर। ये प्राइवेट सेक्टर है, ये प्राइवेट नर्सिंग करवाता है, ये फेक अदारा है, इसमें आपने बिल्कुल एडमिशन नहीं लेना, अपना पैसा नहीं जाया करना। दूसरा जो कॉलेज है वो है मोहम्मदन कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर, ये भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इसमें भी आपने एडमिशन नहीं लेना, ये भी आपके पैसे और टाइम दोनों वेस्ट करेगा। उसके बाद फैसलाबाद में आ जाए, उसमें दो कॉलेजेस हैं, हलाल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी स्कूल फैसलाबाद, ये भी प्राइवेट सेक्टर है। और दूसरा है प्रोफेशनल स्टडीज इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग फैसलाबाद प्राइवेट, ये भी दोनों प्राइवेट सेक्टर हैं फैसलाबाद में, ये दोनों फेक कॉलेजेस हैं, इसमें आपने नर्सिंग में एडमिशन बिल्कुल नहीं लेना, ब्लैक लिस्टेड है। अगर आपने अभी भी एफएससी किया है तो आपने इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना। तो उसके बाद आ रहे हैं जी कराची के हैं, जो अमान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड नर्सिंग कराची प्राइवेट कॉलेज है, ये भी मीडिया एट स्कूल ऑफ नर्सिंग कराची, ये भी प्राइवेट है। और इसमें इसके बाद है परी इंस्टीट्यूट और नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज कराची, ये तीनों प्राइवेट सेक्टर्स हैं और ये भी जो है ये फेक है, ये ब्लैकलिस्टेड है, इनमें आपने एडमिशन नहीं लेना। इसके बाद है मर्दान का कॉलेज है, मर्दान कॉलेज ऑफ नर्सिंग मर्दान प्राइवेट कॉलेज है, ये भी आप फेक है, इसमें आपने एडमिशन नहीं लेना। इसके बाद एक साहिवाल का है, पाक इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग साहिवाल, ये भी प्राइवेट सेक्टर है और ये भी फेक ब्लैकलिस्टेड है, इन इंस्टीट्यूट में आपने बिल्कुल एडमिशन नहीं लेना। आपको नेक्स्ट वीडियोस में हम बता देंगे कि कौन से जो कॉलेजेस हैं वो ऑफिशियल हैं, जिनकी डिग्री ऑफिशियल है उसकी डिग्री आपको काम भी आएगी, इनकी डिग्री आपके किसी काम की नहीं होगी। एट द एंड जब आप डिग्री लेके जाएंगे तो वो प्रूफ वेरीफाइड नहीं होगी और आपके 4-5 साल भी वेस्ट और पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।